मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के कसरावत थाना क्षेत्र बाल समुद्र चौकी समीप अकबरपुरा फाटे पर रेत खदान में अवैध खनन माफियाओं के बीच रेंट को लेकर दो पक्षों में हवाई फायरिंग एवं पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के 3 युवक घायल हो गए। गोली चलने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ट्रायल 100 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल अकबरपुरा रेत खदान में अवैध खनन माफियाओं के बीच रेत को लेकर आपसी विवाद हो गया। देखते ही देखते नौबत गोलीबारी तक आ गई, जिसमें रेत ठेकेदार आर के गुप्ता के एक कर्मचारी घायल हुआ है, तो वहीं दूसरे पक्ष के दो व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को कसरावत के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्रथम उपचार के बाद खरगोन रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि बलगांव फाटे का पूरा मामला है, और ये राल्टी वाले आया, बोले हम राल्टी वाले हैं, वो टोकन देते हैं और 3,000 रुपये का टोकन देते हैं और 1,500 रुपये का टोकन। टोकन देने के बाद भी इनकी कोई रिक्शा नहीं है और दादागिरी से टोकन ले रहे हैं। उसके बाद जब लेने को मंजूर हो गए, लेने के मंजूर के बाद भी इनने गाली गुप्ता करी और दो लड़कों के संजू और उसके पप्पू के सिर फोड़ दिए इनके आदमियों ने। सिर फोड़ने के बाद इनने फिर मारने दौड़े और मारने के बाद इनके आदमी ने 3 फायर करे। 3 फायर करने के बाद हाथ में कट्टा था और ऊपर से फायर हो गया। पूरे फायरिंग करने के बाद इधर रोड भगने लगा और फिर उसको पकड़ लिया और कट्टा जब्त करा। और 100 नंबर गाड़ी आई, 100 नंबर गाड़ी आने के बाद कट्टा जब्ती में पुलिस को दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें जो टोकन वाली बात है, ये वैध है या अवैध है? टोकन अवैध है, टोकन साधारण पर्ची, कोई उसका शासन का प्रारूप कोई लिखा हुआ नहीं है और फिर भी लेने को तैयार थे। रॉयल्टी की क्या कीमत रहती है इसमें? इसमें रॉयल्टी की तो 3,300 रुपये इनने कीमत बताई थी और रॉयल्टी इनके पास है नहीं। मेन बात तो ये अवैध वसूली कर रहे हैं, इनके पास कोई रॉयल्टी का प्रारूप नहीं है। कब से चल रहा है? नहीं, ये तो बहुत दिन से घूम रहे हैं। क्या नाम आपको? मेरा तो श्याम के बटे वाले हाथ में है ना? क्या घटना क्या थी? घटना यही थी, मैं नौकरी करने अभी चंद दिन पहले आया हूँ आर के गुप्ता कंस्ट्रक्शन में। मुझे जो भी कंपनी द्वारा स्वीकृत रकबे हैं उनको देखने के लिए कंपनी ने बोला था कि जाओ देख के आओ कि कंपनी के स्वीकृत रकबे कहाँ कहाँ हैं। मैं यहाँ के लोकल कंपनी के जो लोग हैं उनके साथ में मैं वो स्वीकृत रकबे देखने गया था, और अचानक मुझे तो चूंकि रास्तों का भी ज्ञान नहीं है, एक जगह आई जिसके बाहर बोर्ड लगा था अकबरपुर फाटा। वहाँ पे करीबन 100 लोग इकट्ठे होकर उन्होंने गाड़ी रोक के तुरंत आगे से घुमा ली, गाड़ी इधर लगाओ, ड्राइवर ने गाड़ी घुमा दी। उसके बाद सब बड़े बड़े पत्थर से मारना शुरू कर दिए। हम लोग भगे वहाँ से, सब लोगों ने बहुत मारा। क्या नाम बोले कि जान से मार दो इनको सबको। ये क्या विवाद, क्या रेत को लेकर के था? रेत को लेकर कोई विवाद नहीं था, रेत का कोई मामला ही नहीं है। ये किस संबंध में विवाद हुआ था? अब संबंध तो हमें खुद ही नहीं मालूम किस संबंध में विवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजीत शर्मा है, निवासी राय बरेली उत्तर प्रदेश। वो बोले हम रॉयल्टी वाले, हमको रॉयल्टी दो, टोकन कटवा, हम सबसे सेटिंग करके बात करेंगे। कितने की टोकन? 2500 की, 1,500 की, 2500 दो टोकन कटवा रहे हैं। नहीं गारंटी कई चीज की ले रहे हैं। फिर लूटा मारी चल रही उनकी, और क्या घटना कारण बताओ? घटना कारण फिर वो कुतुब में वही गाली गुप्ता ने फिर गोली निकाल, वंचा निकाल के गोली मार। कितने फायर की? 3 फायर। आप घटनास्थल पर मौजूद थे? क्या नाम आपका? गणेश केवट, निवासी अकबरपुरा। फिलहाल घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खरगोन से त्रिलोक रामनिकर की रिपोर्ट।